लॉकडाउन के दूसरे चरण में सोमवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर में नौसर चौराहे पर अन्य जनपदों से आ रही गाड़ियों का नंबर नोट और यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया और अमरूद मंडी चौराहे पर बिना पास के आ रहे लोगों को वापस किया गया। शहर में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को 1 मीटर की दूरी पर घेरे में बैठकर सजा दी गई। SPCG डॉक्टर कौस्तुभ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, डेट बताओ, देख के बताओ कब का है। 5/3/2000 कब तक, कई दिन की दवा लिए हो? साहब के और शासन के आदेशों के अनुरूप लोगों को एक जगह एकत्र होने से मना किया जा रहा है और सभी लोगों द्वारा इसमें पर्याप्त सहयोग भी मिल रहा है, तो सभी लोग इस वक्त अपने घरों से ही नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी के अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो इसलिए लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है गोरखपुर में। नहीं, इस प्रकार के सभी लोगों से सहयोग अच्छा प्राप्त हो रहा है, जहाँ कहीं पर अगर इस प्रकार की चीज़ पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पूरे शहर में अभी तक ठीक स्थिति है, अच्छी स्थिति है और लोगों से हर जगह सहयोग मिल रहा है, लोगों तक हर महत्वपूर्ण सामग्री पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उन तक पहुँच भी रहा है, तो इस वक्त स्थिति ठीक है। ड्यूटी पे पुलिस वाले भी लगे हैं मुस्तैदी के साथ, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो कभी भी अपने अधिकारियों को या संबंधित थाना